नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में। यहां पर महापंचायत चल रही थी जिसमें सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने की मांग हो रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं आपको पीछे पोस्टर दिखा दूं, यहां पर देखिए लिखा है हत्याकांड में सीबीआई जांच करवाने के लिए सर्वजातीय यहां पर महापंचायत का आयोजन। और यहां की तस्वीरें करम जी हम पीछे दिखा देते हैं कि अलग अलग खापों के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं जो पहुंचे हैं और महापंचायत में सभी ने एक ही मांग की है कि सीबीआई जांच यहां पर होनी चाहिए। उनकी बेटी यशोधरा जो अभी मीडिया से मुखातिब हो रही है, मेरे सहयोगी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो सोनाली फोगाट का पूरा केस है, इसमें बात परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट जिनकी मौत गोवा में होती है, इसके पीछे सुधीर सांगवान है, सुखविंदर है, लेकिन ये तो सिर्फ मोहरा है। उनके दबाव में अभी तक 5 गिरफ्तारियां तो हो चुकी है। सुधीर सांगवान पर, सुखविंदर पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, लेकिन इसके पीछे कोई और है, मकसद कोई और है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये परिवार लगातार कह रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो महापंचायत हुई उसमें प्रतिनिधि मौजूद थे अलग अलग खापों के, वो बात करते हैं, परिवार के लोग बात करते हैं, सोनाली फोगाट के दोनों भाई जो कहते हैं कि लगातार सुधीर सांगवान तो वहां पर प्रेशर बना रहा था। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस महापंचायत में सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक सुर में सभी की तरफ से यह कहा गया है कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। जो गोवा पुलिस ने जांच की है वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत होती है, उसके बाद गोवा पुलिस अपनी जांच देरी से शुरू करती है, 4 दिन देरी से शुरू करती है, उसमें सबूत नष्ट किए जाते हैं। तो हिसार में जो इस वक्त महापंचायत चल रही थी जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल होते हैं, उनकी बेटी सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा जिसकी उम्र महज 15 साल है, वो मुखातिब होती है और वो कहती है, मानव के पास चलते हैं। मानव आप बताइए, यशोधरा ने क्या कहा मीडिया से? पुलिस यहाँ आई थी तब की मांग की जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी को भी लिखा गया है, और अब परिवार को इंतजार है कि केंद्र सरकार उनको दिल्ली बुलाए, उनके साथ मुलाकात करे। तो कहीं ना कहीं अब ये हरियाणा का जो मुद्दा था, जो देश भर में सोनाली फोगाट के चाहने वाले हैं, तो अब कहीं ना कहीं परिवार आने वाले दिनों में दिल्ली भी जा सकता है। महापंचायत में क्या हुआ, खाप पंचायत में क्या हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह तय हुआ है कि अब 15 दिन के बाद एक और खाप पंचायत बुलाई जाएगी, उसमें एकमत होकर फिर से इसी मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि खाप पंचायत आपस में थोड़ा सा बटी हुई दिखाई दी। कोई कह रहा था कि क्योंकि वो एक पार्टी की नेता थी तो क्यों ना इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि राजनीति को इस पूरे मुद्दे से दूर रखना चाहिए। तो एक मिली जुली राय यहाँ पर खाप पंचायतों की नहीं देखने को मिली, लेकिन एक मत जरूर थे कि सीबीआई जांच कराई जाए, और उसी को लेकर यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और करीब 4 घंटे से ये खाप पंचायत यहाँ पर चली। और अगर अब देखें तो अब खाप पंचायत उस हिस्से पर पहुंच गई है जब ये तय किया जाएगा, ये जो निर्णय लिए गए खाप पंचायत में वो अब यहाँ पर मीडिया को बताए जाएंगे। जैसे बिल्कुल मानव, तो यहाँ पर आखिरी पड़ाव में ये खाप पंचायत हो रही है समापन की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि हमने देखा जो मानव ने बताया, उन्होंने उनकी बेटी सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा से बात करने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं कि सोनाली फोगाट के जीजा अमन पूनिया ने हमसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम सुन लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है सोनाली फोगाट के जीजा अमन पूनिया। अमन पूनिया जी, महापंचायत हो रही है, क्या मांग है आप लोगों की? महापंचायत की और हम सभी लोगों की यही मांग रहेगी, सबसे पहली तो भाई सीबीआई जांच करवाई जाए। इसमें गवर्नमेंट लेट क्यों कर रही है? लेट करने से मतलब सभी सबूत नष्ट हो रहे हैं। मेन हमारा मुद्दा यही रहेगा। तो इस महापंचायत में अहम फैसला लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अहम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के सरकार से, भाई सीबीआई जांच कराई जाए। 15 साल की बेटी है जो जिनके फादर भी नहीं है, वो अनाथ होगी बेचारी, तब भी सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है। तो फिर ये सभी अब बड़े बड़े लोग हमारे पूजनीय खाप के सभी हम मिलके फैसला लेंगे। तो जो गोवा पुलिस की जांच है उससे आप लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, उससे तो हम बिल्कुल भी मतलब कि 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो उसको हार्ट फेलियर, उसके बाद में फिर ड्रग्स, फिर प्रॉपर्टी एंगल, मतलब बिल्कुल ही घुमा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, कोई और है इसके पीछे? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, तभी तो मतलब सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है। और उपचुनाव से पहले ये मर्डर हो जाना, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र तो है।
करती हूँ हरियाणा का भी, पूरे देश विदेश। तो सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री अब सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। सोनाली को ड्रग ओवरडोज देने वाले सुखविंदर और सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, परिवार के प्रेशर के बाद हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी तक जो गोवा पुलिस की थ्योरी सामने आई है, जो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, अभी तक गोवा पुलिस असली वजह को ढूंढ नहीं पाई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी स्थिति समझाते हैं। चलिए मानव के पास चलते हैं। मानव, ओवर टू यू। हमें पता है फोन नंबर क्यों बंद किया गया। सोनाली की बहन हमारे साथ है। क्या कुछ महापंचायत में आज हुआ, खा पंचायत में हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे आपने 3 घंटे तक सुना, और कहीं ना कहीं वो दर्द था जो बहन को लेकर, वो आपके चेहरे पर लगातार देखने को मिला। जैसा कि आज महापंचायत हुई है तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होंगे, जैसे महापंचायत के मेंबर है वो आराम से नहीं बैठेंगे। तो आपका परिवार मुख्यमंत्री खट्टर से भी मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था पत्र लिखिए, हम गोवा पुलिस को बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे कि सिफारिश कर दे सीबीआई जांच को। कैसा आश्वासन दिया गया था और क्या कुछ हुआ? जैसे कि हम लोग गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमें एक लेटर दीजिए, हम सीबीआई जांच करवाएंगे। तो हमने सब कुछ उनके कहने पे किया, लेकिन अब तक सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो अब हमें पंचायतों का और खापों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या परिवार को ऐसा लगता है, क्योंकि सोनाली एक पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, कुछ नेताओं के नाम भी यहाँ पर मंच से लिए गए, आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें लगता तो यही है कि जैसे राजनीति साजिश है, लेकिन इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये कौन है। जब भी तो हम सीबीआई की मांग चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे राजनीति हो या और कोई षड्यंत्र हो, वो खुल के सामने आए। तो सोनाली की बहन साफ साफ बता रही है कि राजनीतिक साजिश से नाकार उसको नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि सीबीआई जांच होगी तो ये सारे तक एक तरीके से जो फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सच है वो सामने आ पाएगा। जसप्रीत, बिल्कुल। तो मेरे सहयोगी मानव ने एक्सक्लूसिव बात की है, दरअसल जिस बहन से बात की है उन्होंने आखिरी बार वीडियो कॉल में सोनाली फोगाट से बात की थी, और उन्होंने बताया था कि वो कुछ बताना चाहती थी, और इसी बिना पर अब परिवार कह रहा है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, क्योंकि जो मर्डर मिस्ट्री है इसमें खुलासे तो हो रहे हैं, पर्दे तो खुल रही है, किरदार तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन असली किरदार कौन है, चेहरों के पीछे चेहरा कौन है, ये हम एक रिपोर्ट में समझते हैं। सोनाली की मौत का रहस्य गहराया। गोवा पुलिस को अब भी कत्ल की वजह की तलाश। साजिश के पीछे का मकसद आखिर क्या? सोनाली फोगाट की मौत को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तफ्तीश में सोनाली को ड्रग्स के ओवरडोज देने की बात सामने आई, और इस ड्रग्स के ओवरडोज को देने के जुर्म में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना सब होने के बाद भी सोनाली की मौत का रहस्य जस का तस बना हुआ है। सोनाली की हत्या के 2 मुख्य आरोपियों से 2 हफ्ते से पूछताछ हो रही है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक यही नहीं साफ हो पाया है अगर इन्होंने सोनाली की हत्या की है तो इस कत्ल के पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि सोनाली के परिवार वाले उसकी मौत को साजिश से कम मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि सुधीर के अलावा भी कई लोगों का हाथ है। लगता है तभी सीबीआई जांच मांग रहे हैं, और तो और किस लिए। जो भी सीबीआई जांच होगी तो कोई छोटा चेहरा, कोई बड़ा चेहरा, जो भी है, सारा खुल के सामने आ जाएगा। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी ले रहे हैं और वो ले रहे हैं, और कुछ वो तो है नहीं इनका। यहाँ आके चले जाएंगे बस, ये पुलिस को दे देंगे, हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। सोनाली की रहस्यमय मौत को उनके घर वालों ने तुरंत साजिश करार दे दिया। फिर जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीसीटीवी में सोनाली को सुधी और सुखविंदर ड्रग्स देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी लाजमी थी। गोवा पुलिस ने उस समय हत्या के पुख्ता सबूत का दावा भी किया, लेकिन अब तक कत्ल की असली वजह या मोटिव नहीं मिल पाया है। गोवा पुलिस ने गुरुग्राम के फ्लैट से लेकर हिसार के फार्म हाउस तक को नाप लिया, तमाम रिश्तेदारों नातेदारों से भी पूछताछ की। सोनाली फोगाट के मर्डर की कई थ्योरी भी सामने आई, लेकिन हत्या के पीछे का मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या की? आखिर सुधीर ने क्यों की सोनाली की हत्या? गुरुग्राम में पुलिस को इतना जरूर मिला है,
कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को फ्लैट एग्रीमेंट में पत्नी बताया था, लेकिन गोवा पुलिस को अब तक ये नहीं पता चला कि सुधीर को सोनाली की जान लेने की वजह क्या थी। घर वालों ने सुधीर सांगवान की नजर सोनाली के प्रॉपर्टी पर होने की बात कही। यहाँ तक कहा कि सुधीर ने सोनाली पर काला जादू कर रखा था और सोनाली के हर फैसले के लिए सुधीर जिम्मेदार था। लेकिन अगर ये बात सही भी है तो गोवा पुलिस के लिए सोनाली की हत्या को सुधीर के साजिश से जोड़ना टेढ़ी खीर साबित होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोवा पुलिस सोनाली की मौत पर छाई धुंध की परत कब तक पर्दा हटाती है। तो परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और सोनाली की हत्या के बाद कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पुलिस इन सभी एंगल से जांच कर रही है और हम भी आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर जांच का दायरा पहुंचा हुआ है और आखिर वो कौन सी थ्योरीज हैं जिन पर लगातार जो है पुलिस अब फिलहाल जांच को आगे बढ़ाए हुए। क्यों हुई सोनाली की हत्या, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। सबसे पहले थ्योरी नंबर वन समझ आ रही है, वो है संपत्ति, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम सुधीर सांगवान की तरफ से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आ रहा था वो थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर दो ब्लैकमेलिंग का खेल है, क्योंकि लगातार जो है अब नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सोनाली के परिवार की ब्लैकमेलिंग हुई या सोनाली की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, क्योंकि उसकी तरफ से साफ तौर पर आखिरी जो फोन कॉल हुआ था उसमें ये कहा गया था नोएडा में फ्लैट है। देखिए कितने फ्लैट है, गुरुग्राम के बाद नोएडा में भी फ्लैट था, उसको लेकर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। नोएडा में फ्लैट है, कैश और जो मोबाइल फोन या यू कहे ज्वेलरी जो सामने आई है, सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था इनकी वजह से, और कई ऐसे राज खुलने के डर भी कहीं ना कहीं थे और यही माना जा रहा है कि अब जो है सोनाली की हत्या इसीलिए की गई थी। और सुधीर पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और ये भी अब कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि सुधीर और सुखविंदर को हत्या की सुपारी दी गई थी। देखिए लगातार परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी